गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। टुडे चैप्टर इज चैप्टर थ्री फॉर द रिवीजन। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड एंड अंडरस्टूड। टुडे वी ओनली ब्रश अप अगेन। यू विल लिसन एंड लर्न फॉर द ओरल क्वेश्चन एंड पीटी वन पीटी टू। राइट, आपको केवल लिसन करना है और सुनना और समझना है, तो याद करना है। आपने इसके एक्सरसाइज कर रखे हैं, ठीक है। ये एक तरह से फिर से रिमाइंड हो जाएगा आपको कि चैप्टर को कौन सा चैप्टर में आपने क्या रीड किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आपको पता है कि कंप्यूटर में जो भी चीजें होती हैं वो या तो इनपुट होती है या तो आउटपुट होती है, ठीक है। तो कुछ आपके पास इनपुट डिवाइस है, कुछ आउटपुट डिवाइस है, उन्हें हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। द कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर आपका कैसे बनता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से बनता है। हार्डवेयर क्या होता है? व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड फील, जिसे आप छू सकते हो और महसूस कर सकते हो। द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड सी इज कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट। जिस तरह से ह्यूमन बॉडीज में कई पार्ट होते हैं, सम ऑफ देम आर विजिबल बट दो विच इन साइड कैन नॉट बी सीन। कुछ तो आपको दिखते हैं जैसे लेग, हैंड, हेड, और कुछ आपको विजिबल नहीं होते जैसे हार्ट, लंग, स्टमक। तो उसी तरह से इन कंप्यूटर वी कैन सी द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर दैट आर आउटसाइड। उसी तरह से कंप्यूटर के जो पार्ट आउटसाइड पे होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। दे आर अटैच टू द सीपीयू केबल। किससे अटैच होते हैं? सीपीयू केबल से। सम पार्ट ऑफ हार्डवेयर आर इनसाइड द सीपीयू, और कुछ पार्ट आपके सीपीयू के अंदर होते हैं जो विजिबल नहीं होते नॉर्मली, उसे हमें खोल के देखना पड़ता है। यू कैन ओनली देम व्हेन यू ओपन द सीपीयू। जब आप सीपीयू ओपन करोगे तो आपको वो चीज दिखाई देगी, जैसे मदरबोर्ड्स है, फैंस है, मेमोरीज है, मेमोरी कार्ड है। ये सब चीजें कहाँ है? आपकी सीपीयू के अंदर है। There are a special type of hardware device that are used input word number of pictures. These are called input device. कुछ hardware device हैं जिनसे आप अपने data को input करते हो तो उसे input device कहते हैं। जैसे keyboard, mouse, सब चीजें क्या है? input device है। Almost all computer system require at least a disk drive, monitor, keyboards, memory, motherboard, processor, power supply and visit card in order to function properly. बहुत से कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनमें हमें मॉनिटर, कीबोर्ड, मेमोरी, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई की जरूरतें पड़ती हैं। आज के डेट में हमारे पास ये सब चीजें होनी चाहिए। If any of these devices is missing, the computer would not start. अगर उनमें से कोई भी चीज मिस है तो कंप्यूटर आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अगर आपको वो एप्लीकेशन रन कराना है तो, अगर आपको साउंड रिकॉर्ड करना है तो आपके पास माइक्रोफोन होना चाहिए, ठीक है। एडिंग अदर हार्डवेयर सच एज सीडी, डीवीडी, मॉडेम, माउस, नेटवर्क कार्ड, स्पीकर एक्सेट्रा आर नॉट रिक्वायर्ड। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है, बट दे गिव द कंप्यूटर एडिशनल कैपेबिलिटी। लेकिन अगर इसको हम लगा देते हैं तो कंप्यूटर से हमें एडिशनल कैपेबिलिटी मिल जाती है, यानी हमारा जो कंप्यूटर है वो पहले से रिजल्ट अच्छा देता है, अगर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आज के डेट में हार्डवेयर क्या होता है, कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट्स हैं, व्हाट द हार्डवेयर एंड हार्डवेयर पार्ट्स, नेम देम, उन्हें लर्न करेंगे। जब आप वीडियो को बार बार सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज लर्न हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।